नमस्कार बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और हम बता दें कि दरभंगा में जो कल दर्दनाक घटना घटी उससे पूरा प्रशासन के साथ पूरे दरभंगा में शोक की लहर है। कहा जाता है कि फटाके से आग लग गई, दो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 6 लोग की मौत हो गई, दर्जनों घायल हैं। दरभंगा डीएमसीएच में उनके शव का पोस्टमार्टम के समय पहुंचे थे गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के सांसद, और उन लोगों से मिलते हुए डीएमसीएच की व्यवस्था और डीएमसीएच के प्रिंसिपल से मिलकर उन्होंने किया था। लेकिन हम बता दें, वहीं जहां आगजनी की घटना घटी है अलीनगर के मोतीपुर के अंटोल में, वहां बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे डॉक्टर मदन मोहन झा पहुंचे। डॉक्टर मदन मोहन झा पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने पूरे क्षेत्र में जाकर एक एक परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनकी बातों को सुना और इस पूरे घटना की जांच के आदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सभी जांच हो और उचित कार्रवाई की जाए, एवं जिनके साथ घटना घटी है पीड़ित हैं उनको पूरा न्याय मिले, उनको सम्मान मिले और उनको पूरी तरह आर्थिक लाभ दिए जाए। डॉक्टर मदन मोहन झा ने एक एक परिवार से मुलाकात की। वो चुनावी दौरे के क्रम में दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मणिगाछी सहित कई जगह पर उन्होंने जनता से मिलकर चुनाव प्रचार किया। ललित यादव के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई जगह मुलाकात की। वहीं अंटोल में घटी घटना से भी पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुआवजे की राशि दे ताकि इन गरीबों के साथ जो घटना घटी है उसे क्षतिपूर्ति किया जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता, ये विभत्स घटना, इसकी पूरी तरह वो निंदा करते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन और स्थानीय लोग, जो समाज के लोग हैं, वो भी जागरूक हो। देखिए डॉक्टर मदन मोहन झा निरीक्षण के बाद क्या कहते हैं। शादी विवाह जैसे खुशियों के मौके पर आतिशबाजी फैशन बनती जा रही है, लेकिन बिहार के दरभंगा में के पटाखे ने ऐसा तांडव मचाया कि 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बेटी की शादी में खुशियां मना रहे परिवार में दर्द, आंसू और मातम का सैलाब उमड़ पड़ा। घटना बहरा थाना क्षेत्र के अंटोल गांव की है। बीती देर रात की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर विस्फोट होने के बाद आग ऐसी भड़की जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। वहीं इस घटना की खबर फैलते ही बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मदन मोहन झा पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उनके लिए राज्य सरकार से मुआवजे के लिए भी मांग की।